हाय, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है दम आलू की। मैं आज आप लोगों के साथ दम आलू की जो है रेसिपी वो शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ में वो रेसिपी, ये भी मेरे साथ बैठा हुआ है तो हम साथ में ये थोड़ा बहुत मुझे परेशान करता है, पर कोई नहीं, चलेगा नहीं करते बेटा। तो आइए देखते हैं कि मैं किस तरीके से वो सब्ज़ी बनाती हूँ। इसके लिए टीवी ऑन कर देती हूँ ताकि मुझे परेशान ना करें। चलो आइए देखते हैं किस तरीके से सब्ज़ी बनाती हूँ। उबले हुए आलू छः जो कि मैंने एक सीटी तक मैंने इनको बॉईल किया हुआ है, उसके बाद मैंने निकाल लिया है इनको और अब ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। और ये है मैंने टमाटर, दो टमाटर लिए हैं क्योंकि हमारी छोटी फैमिली है तो दो टमाटर काफ़ी है, तो जो मैंने पीस लिया है। ये मैंने लिया है यहाँ पर प्याज, और मैंने देखा वैसे ज़्यादातर जो दम आलू बनाते हैं उसमें प्याज व्याज नहीं डालते हैं, लेकिन मैं डालूँगी प्याज। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है ये अदरक और लहसुन को, ऐसी मोटा मोटा दरदरा तरीके से पीस लिया है। अब सबसे पहले मैं गैस पे कढ़ाई रख लूँगी। एक चीज़ बता देती हूँ, अगर बॉइल्ड आलू को अगर आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, सैलो फ्राई भी कर सकते हो, मैं उसको सैलो फ्राई करूँगी। अगर आप ज़्यादा ऑयल खा रहे हो या फिर आपको डीप फ्राई ज़्यादा पसंद है तो आप उसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सैलो फ्राई करूँगी। तो ये रख लिया है मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल दूँगी मैं तेल, डाल दूँगी आलू को फ्राई करने के लिए ऑयल, इतना तेल डालूँगी मैं इसमें। जब तक ये हमारा गरम हो रहा है तब तक मैं वहाँ पे आलू तैयार कर लूँगी। ये तब तक थोड़ा सा गैस ऑन करके लो फ्लेम में इसको गरम होने दूँगी। जो ये आलू है इसमें हम इस तरीके से छेद कर लेंगे ताकि जो ये आलू है इसमें हम मसाले जो है वो अंदर तक चले जाए, इसलिए हम इसको इस तरीके से इसमें हर जगह से इस तरीके से फोक की सहायता से हम इसमें छेद कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो एकदम अंदर तक चले जाए। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरीके से इनमें छेद कर लिए हैं। अब मैं इनमें जो है हल्का हल्का मसाला जो है वो मिक्स कर लूँगी, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी, धनिया और मिर्ची, इसको मैं इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आलू में है जो ये मसाले इस तरीके से लगा लिए हैं, अब मैं इनको कर दूँगी अच्छे से फ्राई। मैं यहाँ से ये सामान हटा लेती हूँ ताकि गिरे ना, क्योंकि घर में जो है ना बच्चा है मेरा तो मुझे बहुत परेशान करता है। अभी वो टीवी देख रहा है थोड़ा सा, तो मैं खाना बना लूँ। तो ये जो हमारा जो ऑयल है वो एकदम गर्म हो चुका है, आपको दिख रहा होगा क्योंकि इसमें से धुआं आ रहा है, इसलिए देख लीजिए। और इनको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते, तब हम इसको फ्राई करते रहेंगे और करते ही रहेंगे फ्राई जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। अगर ये ना फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाहर से ना एक लेयर सी आ जाती है, तो बहुत ही यम होती है खाने में। आप बना के तो जरूर ट्राई करना, क्योंकि आज मेरे पास कोई सब्ज़ी नहीं बनाने के लिए तो मेरे को दिमाग में आया कि आज दम आलू बनाती हूँ और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आपको ज़रूर पसंद आएगी, प्लीज़ इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं अच्छे से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके साथ में जो बात कर रही हूँ या फिर जो वीडियो बना रही हूँ वो अच्छे से पहुँचे। और कुछ कुछ में गड़बड़ी मुझसे हो जाती है क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको भी देखना है और यहाँ पे भी करना है, तो लेकिन फिर भी जो है मैं हार नहीं मानूँगी। तो आप इसको पूरा देखिए प्लीज़। मेरा जो बेबी है मेरे साथ आ गया है, ये वहाँ पर नहीं बैठ रहा है, उसको देखना है कि क्या बन रहा है। ये भी बोलना नहीं सीखा है, मतलब सीख रहा है बोलना। देख सकते हैं हल्का हल्का इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, और मेरे बच्चे को भी ये दिखने में अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं इसका फेस, हेलो। कलर देखो आप, सच्ची बताना मम्मा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख। बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, बना के ज़रूर देखना। और कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है कि हम बना नहीं सकते, बहुत ही ईजी है और खाने में तो टेस्टी होता ही है। लेकिन जो ये मेरे आलू है ना ये बड़े होते हैं, एक्चुअल में आलू जो है ना इसके साइज़ के होने चाहिए, और इससे भी छोटे होते हैं वैसे तो, बट इसके साइज़ के जब मैं गांव में रहती थी तो इससे भी छोटे साइज़ के आलू में हम बनाते थे, लेकिन अभी यहाँ हूँ तो ये मुझे आलू उतने कभी मिलते नहीं हैं, होते भी होंगे तो मुझे मिलते नहीं। पर आप इसका कलर देखिए कितना सही लग रहा है, और सच में बताना कमेंट करके कि इसका कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरा जो ये आलू है वो
फ्राई हो रहा है तब तक मैं क्यों ना ये एग जो है वो बॉयल करने के लिए रख देती हूँ, अपने बच्चे के लिए रख दूँ मैं ये एग बॉयल करने के लिए, और इसमें टाइमर लगा देती हूँ मैं, जो एग है वो 15 मिनट तक बॉयल करती हूँ। देख सकते हैं तो अब मैं ढक्कन लगा दूँगी अच्छे से, और यहाँ पे ये एकदम रेडी है, ये देखिए एकदम रेडी है, तो इनको अब मैं निकाल लूँगी। मैंने थोड़ा सा फ्राई को और कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा फ्राई और चाहिए, मैंने उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए और इसको फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद फटाफट निकालती हूँ। देखिए फ्राई हो गया है, इसको आप चाट के तरीके से भी खा सकते हो, इतना टेस्टी होता है क्या बताऊँ, बट फिलहाल हम सब्ज़ी बना रहे हैं। मैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ, देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, एकदम मज़े वाले। मेरी बच्चा जो है वो रोने लग गया है, बट कोई नहीं, उसको नमकीन दे रही हूँ। अब जो ऑयल है ना ये हमारा सब्जी के काम आ जाएगा हमारा, तो इसको फटाफट हम फटाफट इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने डाल दिया इसमें जीरा, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन और अदरक, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, आप देख सकते हो प्याज इतने बारीक है, और ये सब किसका कमाल है, मेरे हाथों का बिल्कुल भी नहीं, इसका कमाल है इस चॉपर का, ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, मैं औरों का नहीं बता सकती, बट अपना मेरे लिए इतना सही है ये, मैं इतनी जो इतनी बारीकी अगर मुझे कोई सब्जी करके चाहिए तो वो उसे हाथ से नहीं कर सकती, तो इसमें 2 सेकंड में हो जाती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, चाहे वो लहसुन हो, अदरक हो, प्याज हो, टमाटर हो, जो भी मुझे करना, फटाफट मैं इसमें डाल के कर लेती हूँ। तो इसको भी हम अच्छे से ब्राउन होने देंगे, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इस पर डाल दूँगी मैं टमाटर, टमाटर के साथ साथ मसाले जो मैं रोज़ डालती हूँ, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मिर्च, ये है हल्दी, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना दही, स्किप भी कर सकते हैं आप, डाल भी सकते हैं, मैंने जो क्रीम है ना वो निकाल ली थी तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको चलाते रहें ताकि ये जो है सही फटे ना, तो इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा काली मिर्च, क्योंकि जो काली मिर्च है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन पीसी हुई ऐसे वाली नहीं। देखो ये हो रही है, ये भून रही है, मसाले भून रहे हैं अच्छे से, देख सकते हैं साइड साइड से तेल निकल रहा है, मसाले अच्छे से भून रहे हैं, इसको हम अच्छे से भूनने देंगे। डाल दिया 1 कप पानी, मैं आपको दिखा नहीं पाई सॉरी स्किप हो गया था, तो मैंने डाल दिया 1 कप पानी, मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके थे, अब मैंने 1 कप पानी डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूँगी आलू जो किए हुए हैं मैंने बॉईल, जिनका कलर है एकदम लाजवाब, ये मैं डाल दूँगी, और अब हम इसको अच्छे से
पकने देंगे, वैसे पके हुए तो हैं ऑलरेडी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पकने देंगे क्योंकि जो ग्रेवी पानी वाने डाला है पकने देंगे उसको। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब अपने जो आप चाहते हो, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो तो मतलब मोटी ग्रेवी चाहते हो तो पानी ना डालें, पतली ग्रेवी चाहते हो तो पानी डाल दें। तो मेरे को जो ग्रेवी है वो इतनी ही पसंद है तो मैं ऐसे ही डालूँगी, तो अपने हिसाब से कर लीजिए ठीक है। इसको हम थोड़ा देर पकने देंगे, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो ये देखिए मेरा जो है सब्जी वो बन चुकी है, क्योंकि इसको 2 से 3 मिनट हमने रख दिया था पकने के लिए, एकदम रेडी है। आई होप गाइस कि आपको जो मेरी रेसिपी है ये पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ और लेके आ सकूँ। तो आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कर देना यार आपको क्या जाता है। ये देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही टेस्टी है, ज़रूर उसे बनाइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।